आज हम कच्चे केलों से फ्राइज बनाएंगे, जिसे फ्रेंच फ्राइज भी कहा जाता है। फ्राइज बनाने के लिए हम 4 से 6 कच्चे केले ले रहे हैं, जिन्हें हम प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे, जब तक केले बिल्कुल अच्छी तरह से गल नहीं जाते। जब केले अच्छे से पक जाएं, तो उन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे और उनका फिर छिलका उतार लेंगे। अब केलों को कद्दूकस कर लेंगे। पैन को मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे और उसमें 1 कप सूजी डाल लेंगे। अब आंच हल्की कर लेंगे और सूजी को 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे और फिर उसमें 1 कप पानी डालकर मिला लेंगे। इस पॉइंट पर सूजी गूंदे हुए आटे जैसी लगेगी। गैस बंद कर देंगे और सूजी को 2 से 3 मिनट तक के लिए ढककर रख देंगे। सूजी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें केले, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा कटा धनिया, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे और हल्का सा दबाते हुए उन्हें लंबाई में रोल कर लेंगे। अगर मिक्सचर चिपक रहा हो तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें। अब सारे मिक्सचर का ठीक ऐसे ही फ्राइज बना लेंगे। अब एक पैन में तेल लेंगे, जिसे तेज सेक पर गरम कर लेंगे। और जब तेल तेज गरम हो जाए तो फ्राइज को उसमें एक एक कर डालेंगे। ध्यान रहे कि 2 फ्राइज के बीच में थोड़ा सा गैप हो, ताकि आपस में वो चिपके ना। फ्राइज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब इन फ्राइज को आप केचप, पुदीने की चटनी या फिर वीगन मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए आप पीपल फार्म वीगन किचन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।